थोनों मैं कबाब बनाना सिखावगा इंतहाई सिंपल वो काम नहीं है कि फलाने मसाले लाओ तो 7 घंटे वास्ते उन्होंने रख दो तो फिर अगले साल उन्होंने तलना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुजफ्फर तेजा और मेरी दुआ है कि तुम जिथे भी हो रब थोनों हंसता वसदा रखे। मैं अपने इस चैनल के उत्ते व्लॉग्स, ट्रैवलिंग वीडियोज़ और कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ अपलोड करता हाँ। अगर तुम इन चीज़ों से इंट्रस्ट रखते हो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सबसक्राइब माई चैनल एंड वैन यू डू ऑलसो प्रेस दस बैल आइकॉन बिकॉज वो पता लगेगा जो मैं नवे वीडियोज़ अपलोड कराँगा। जिन्हें चीज़ों की वजह तो दुखी होंगे हो या जिन्हें मसायल की वजह से परेशान हो जाने हो उन्होंने मसायल का एग्जिस्ट करना या उन्होंने हल करना थोड़े कंट्रोल च है। अगर थोड़े कंट्रोल च फिर ओबियसली तुम उन्होंने मसायल को हल करोगे या उन्होंने मसायल को खड़े नहीं होने दोगे टू बिगेन विद। लेकिन अगर थोड़े कंट्रोल च नहीं है तुम बस किसी होर बंद की आस से बैठे हो किसी होर जात की आस से बैठे हो कि शायद वो थोड़े हक च फैसला कर दे तो जो वो थोड़े हक च फैसला ना करे और तुम दुखी हो जावो तो मेरा नहीं ख्याल कि थोड़ा दुखी होना जायज़ है। असं एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपनी एक अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन कहते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। उसमें असी मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। किसी भी चीज़ का रिवॉर्ड या किसी भी चीज़ का ब्लेम किसी मैनेजर को तां देईदा है अगर उन्हें करना या ना करना या उन्हें ठीक करना या गलत करना उस मैनेजर के कंट्रोल च हो उस मैनेजर को पावर दी गई हो तू इस काम को कर अच्छे तरीके नाल, बुरे तरीके नाल, अपनी मर्जी नाल जिदा भी तू करना चाहना है। उस पावर देने तो बाद भी अगर वो मैनेजर उस काम को ठीक नहीं करता फिर असं कहने कि उस मैनेजर की परफॉर्मेंस ठीक नहीं हैगी। इस चीज़ में तुम अंदर अपनी जिंदगी से अपलाई करो। तुम कोई काम करते हो तुम इम्तिहान देने हो तुम बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करते हो तो हद में एक सर्टन अमाउंट ऑफ पावरस है सर्टन अमाउंट ऑफ कंट्रोल्स ने तुम उन्होंने बस करना है उन्होंने अपना फोकस करना है वो अच्छे तरीके उन्होंने निभा के फिर तुम अल्लाह तो छड़नी है गल कि जी तुम एग्जाम पास हो जाओ थोड़ा बिजनेस तुर पवे कस्टमर आने शुरू हो जाए जिहड़ा पार्ट थोड़े कंट्रोल नहीं है ना उदे ठीक या गलत होने दुखी नहीं होना चाहिए सैड नहीं होना चाहिए वो थोड़े कंट्रोल नहीं है। अगर किसी होर बंद ने फैसला करना सीगा तो उन्हें जो फैसला किया फाइन वी हैव टू लिव विद इट। अगर उन्हें साडे हक च फैसला किया फाइन साडा बिजनेस तुर पेगा असं इम्तिहान पास कर लेंगे एवरीथिंग बट अगर उन्हें साडे हक च फैसला नहीं किया दैट्स फाइन वी विल मेक अनदर अटैम्प्ट वी विल ट्राई अगैन अंटिल वी सक्सीड दैट्स हाउ इट्स डन। करोना वायरस करके घरों काम कर रहे हैं तकरीबन महीना हो चलिया जो घरों काम कर रहे होंगे ना ड्यूरिंग द वीक वैदर बहुत अच्छा होंगे फर्स्ट क्लास धुप निकली होंगी है बल्ले बल्ले वीकेंड आया है तो सूरत हाल आ हो गई है। चलो जी अज थोड़ा जहा काम मैं कॉस्को जाना उतो कुछ शॉपिंग करनी है तो वापस आके थोड़ा मैं कबाब बनाने सिखावा क्योंकि क्वारंटीन के जमाने करोना वायरस के जमाने कुकिंग वाला काम ही जो कर सकते हैं। थोनों मैं कबाब बनाने सिखावगा इंतहाई सिंपल बेहतरीन तरीके कोई वे वो काम नहीं है कि फलाने मसाले लाओ तो 7 घंटे वास्ते उन्होंने रख दो तो फिर अगले साल उन्होंने तलना है ऐदा का नहीं इंतहाई सिंपल इंतहाई आसान तरीके कबाब बनाने सिखावगा तुम ट्राई करो घर इंजॉय करोगे। तुम वैदर सारा वीक बड़ा अच्छा रहा जो ही वीकेंड आया आ हो गया सो लेट्स पुट द बेल्ट ऑन स्टार्ट द जर्नी कॉस्को जो जी कोई 4-6 लैनिया ने लइए तो घर मुड़ के आई है जी बड़िया लम्बी लाइना लगी हुई सी इतने सोशल डिस्टेंसिंग वाला चक्कर चलिया हुआ तो लिमिटेड लोगों अंदर वड़न देंगे क्यूज बड़े लंबे लंबे सके बारिश पै रही थी अदरवाइज आई वुड हैव टेकन यू गाइस इनसाइड विद मी। लो जी था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया हूँ असं कबाब बनाने की तैयारी कर लगे हैं तो मैं कबाब लैके आया तुम देखो मोरिसन से लाए ने तकरीबन 4 कबाब ने सिंपल बीफ मीट के बने हुए हैं तो करना असं इन्हों की है फर्स्ट ऑफ ऑल असी फ्रिज चो इन्हों कढ़ लेना है तकरीबन 1/2 घंटा पकाने तो पहले उसकी वजह यह है कि वो बाहर पै रहे ना तो रूम टेंपरेचर से आ जाएंगे अदरवाइज अगर तुम फ्रिज चो कढ़ के पकाओगे ना अंदरों कच्चे रह जाते बाहरों सड़ जाते हैं आज तुम पहली चीज़ करनी है कबाब वगैरह के नाल वैजिटेबल जरूर होनी चाहिए खाने तो हूँ मैं वैजिटेबल बॉयल करने वास्ते रख लग्या एक देसी जिहा तरीका है 2 पतीले होंगे थल्ले पानी पा लेगा उपर आला जिहड़ा क्योंकि स्टीम आती है तो थोड़ी बहुत जिन्नी असी वैजिटेबल खानी है उस रख दो लो जी तकरीबन 1/2 घंटा हो गया उम्मीद करता कि टेंपरेचर कबाब साढ़े आ गए होंगे रूम टेंपरेचर से तो ऑल यू नीड टू डू नाउ इनू खोल के अपना
प्लेट दे विच ट्रांसफर कर लेना। तो इनग्रीडियंट्स जिहड़े तुहानू चाहिए ने बनाउण वास्ते लिटरली इंतहाई सिंपलिस्टिक है ये और इंतहाई डिलीशियस बनते हैं। ऑल यू नीड जस्ट ब्लैक पैपर, लिटल बिट ऑफ सॉल्ट। जो असं इन्हों फ्राई करा उदो सू थोड़ा जि चाहिए होएगा थोड़ा जहा गार्लिक फ्राई करने वास्ते ओलिव ऑयल, वह भी असं पैन के नहीं पाँना, मैं थोड़ा दस देना करना की। सो ऑल वी नीड टू डू नाउ टू बिगिन विद थोड़ा थोड़ा ओलिव ऑयल लवेंगे कबाबा दोनों साइडा लिटल बिट। तो यही बस ऑयल है जो असं यूज़ करना है फ्राइंग वास्ते, असं होर कोई एडिशनल नहीं लाना। ते अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ते थोड़ी जी बस ब्लैक पेपर। इन्हों थल के सेम प्रोसेस बस दूसरी साइड तो थोड़ा जहा ऑयल, पिंच ऑफ सॉल्ट, ते थोड़ी जी ब्लैक पेपर। लो जी प्रोसेस कंप्लीट। इन्हों बस दो मिनट वास्ते प्यार रहने दोगे, फिर असी अपनी कुकिंग शुरू करांगे। इन द मीन वाइल साड़ी वैजिटेबल्स बॉयल हो रही हैं, थोड़ी देर चाहिए बॉयल हो जाना तो बेहतरीन तरीके से फिर कबाबा के नाल टेस्ट देंगे। वड्डे साइज का साइज तो थोड़ा पैन ये वास्ते पैन में उत्ते रखो, अग चला लो तो लेट इट हीट अप। तुसनू पाइपिंग हॉट तुसी करना है इनू बिफोर यू कैन पुट द कबाब इन। कोई भी तेल छेल नहीं पाना, तेल सफिशेंट है जो असं कबाबा के उत्ते लाता, पर दैट्स इट। उस तो इलावा सानू होर कोई तेल नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है काफ़ी गर्म हो गया तो हूँ बस असी अपने कबाब वन बाय वन करके किसी किस्म के कोई मसाले नहीं लाने कि तुम जनाब इन मैरीनेट कर रहे रख रखना दो साल वास्ते, फिर पाँच साल वास्ते मिट्टी दब देना, फिर तुम जनाब फलाने तेल दे विच इन्हां तलना, कुछ भी नहीं करना। बस कबाब लैके आओ, नमक काली मिर्च हल्का जहा तेल तो कुक कर लो बस, दैट्स इट। ओबियसली मैं थोड़ा ऑफर नहीं कर सकता, टेस्ट नहीं करा सकता, लेकिन ट्राई करो, यकीन करो इंतहाई सिंपल तरीका है और इंतहाई मज़ेदार बनते हैं। कुछ करने की लोड़ नहीं है थोनों, बस कोई नहीं हिलाना इन्हों, तकरीबन दो तो तीन मिनट एक साइड तो पकाना, दैट्स इट। जो दूसरी साइड में इन्नी देर हो जाए उदो हल्का जहा बस बटर पा देना है इन्होंने सेंटर के,
जो ही बटर पाना उदो नाल हल्का जहाँ तुम जरा गार्लिक रखा सीगा उन्होंने बिच रख देना इतने दरमियान अग थोड़ी जी मठी कर देनी बस ये इन्नी गल सी कबाब तैयार हो गए ने तो वो नाल ही परले पास साड़ी वेजिटेबल भी तैयार हो गई है तो लेट्स पुट देम इन द प्लेट एंड स्टार्ट एंजॉयिंग। लो जी जेडे टाइम का इंतजार से आ गया बॉयल्ड वेजिटेबल्स और फ्राई किए हुए कबाब। बॉयल्ड सब्जी के उत्ते हल्का जिहा हसबे जायका नमक पा लो ते अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम परफेक्टली कुक हो गया बॉयल्ड डन जिन्होंने कहते हैं तकरीबन 3 या 4 मिनट के बीच। आई विश कि मैं थोड़ा कहना कि आकर खा के देखो खुद टेस्ट करके देखो बिलीव मी इंतहाई सिंपल इंतहाई आसान और मज़ेदार जरूर ट्राई करो घर के और दस मैं कॉमेंट सैक्शन कि ट्राई रही थोड़ी। लो जी पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। पेट पूजा होगी कबाब खाधे माशाल्लाह मज़ा आ गया तुम भी ट्राई करो तो दस्यो मैं कॉमेंट्स करके किदा के बने से थोड़े तो गल फिर उत्थे लैके आने जितों गल शुरू की थी। अगर चीज़ थोड़े कंट्रोल च ही नहीं हैगी तो वजह तो थोड़ी नाकामी या कामयाबी जी है वो खुश होना उत्ते गमगीन होना वो कोई मायने नहीं रखता कोई सेंस नहीं बनती। तो इदा ही एक पाकिस्तान के बहुत व्डे मुफक्कर ने मैंने नाम जेन चार उन्होंने उन्होंने गल कही सी उन्होंने गम की डेफिनेशन की कि गम की होंदा है उन्होंने कहा कि अल्लाह की मर्जी और तुहाड़ी मर्जी के दरम्यान जो गैप आ ना वो गम आ तो मकसद यही है कि वह जो दरम्यान के चीज़ है ना वो सा कंट्रोल नहीं है किसी होर जात का कंट्रोल है वह अगर वह देगी सत बिस्मिल्लाह नहीं देगी तो वह भी कोई हिकमत है। तो चलो अज का भी हम दिन डुब चलिया हम जी वीडियोज़ बनाए ने माड़े मोटे उन्होंने एडिटिंग शुरू करिए अपना बहुत सारा ख्याल रखियो और अगर तुम मेरा चैनल हाले तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और थोड़े होएगी मुलाकात अगली वीडियो के उद तक अल्लाह हाफिज़।